ये है वक्त मीडिया। आइए हजरात, अब उस रब्बुल आलमीन के बाद जो सबसे महबूब शख्सियत हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं इस एक मतले के हवाले से, इस एक शेर के हवाले से कि कितने ही नबियों ने चाहा उम्मती हो आपके, कितने ही नबियों ने चाहा उम्मती हो आपके, आपकी उम्मत है कितनी कीमती प्यारे नबी। आज के साहिब एजाज जनाब महेंद्र सिंह अश्क नजवाबादी से गुजारिश करता हूं कि वहाँ और नात सरवर कौनैन में हदिया पेश करें जनाब महेंद्र सिंह अश्क नजीबाबादी। मेरे लिए यकीन है ये सआदत की बात है कि ये सआदत मेरे हिस्से में आई। मैं तो तहत में पढ़ने वाला शायर हूँ, किसी मुतरनिम शायर को इस वक्त दावत कलाम देनी चाहिए थी, मगर हुक्म हुआ है तो मैं पेश करता हूँ। नहीं वो मैं दरअसल तरन्नुम छोड़ दिया मैंने पढ़ना, ना इसी के बाद नहीं। जी हुजूर, तू कहा है कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, सुनो भैया बंदा सुनो भैया, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, और कानों में घुल रहा है मेरे लहजे बिलाल, बहुत अच्छा मिसरा है, कानों में घुल रहा है मेरे लहजे बिलाल, आवाज कैसे दूसरी कोई सुनाई दे, कानों में घुल रहा है मेरे लहजे बिलाल, आवाज कैसे दूसरी कोई सुनाई दे। और सुनो चार मिसरे पेश करता हूँ, देखा हुजूर जी साहब, अर्ज किया के लोग समझे न थे उसे जब तक, लोग समझे न थे उसे जब तक, सब निशाने उसी की जान पे थे, लोग समझे न थे उसे जब तक, सब निशाने उसी की जान पे थे, और किस बुलंदी पे उसका सर होगा, पांव ही जिसके आसमान पे थे। किस बुलंदी पे उसका सर होगा, पांव ही जिसके आसमान पे थे। देखिए एक शेर मुझे एक नातेबाग का याद आया, उसमें कहाँ जहाँ तक देखूँ वहाँ तक देखूँ काफ़ी अजीब, उसमें शेर सुनिए, बड़ा फरमाइश कर देखे भाई विराज जी। कहा है कि हद इदरा के खिरत से है परे आपकी ज़ात, सुनिए उस शेर सुनिए भाई, शेर होता है मुलादा फरमान, जहाँ तक देखूँ वहाँ तक देखूँ, ये काफ़ी अजीब, हद इदरा के खिरत से है परे आपकी जात, हद इम्कान से आगे मैं कहाँ तक देखूं, हद इदरा के खिरत से है परे आपकी जात, हद इम्कान से आगे मैं कहाँ तक देखूं। नाते पाक के दो चार शेर में पेश कर रहा हूँ, फरमाया अर्ज किया कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, नहीं यार जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई,
जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई, आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। और आप जब आए हैं दुनिया में उसी लम्हे से, आप जब आए हैं दुनिया में उसी लम्हे से दिन महकने लगा और रात से खुशबू आई। आप जब आए हैं दुनिया में उसी लम्हे से। भाई तरन्नुम मेरे ख्याल से कोई ज़रूरी नहीं है शायरी के लिए, शायरी के लिए फिक्र और परवाह ज़रूरी है। आप जब आए हैं दुनिया में उसी लम्हे से दिन महकने लगा और रात से खुशबू आई, दिन महकने लगा और रात से खुशबू आई। जाम एक इश्क़े मोहम्मद का पिया था मैंने, जाम जाम एक इश्क़े मोहम्मद का पिया था मैंने, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाम एक इश्क़े मोहम्मद का पिया था मैंने, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। और मौजज़ा है कि करिश्मा है करामत है कोई, मौजज़ा है, मौजज़ा है कि करिश्मा है करामत है कोई। मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौजज़ा है कि करिश्मा है करामत है कोई। मैंने कुरान छुआ हाथ से खुशबू आई। और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, सो गया था मैं, सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई।